बिहार में जातीय जनगणना को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खुशी जताते हुए इसे बिहार ही नहीं बल्कि देश के लिए बड़ा क्रांतिकारी कदम है। इस जातिगत जनगणना के आधार पर पिछड़ा और अति पिछड़ों के लिए योजनाएं बनाने में सफलता मिलेगी। वहीं विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने जातीय जनगणना के आंकड़ों को स्वाभाविक बताते हुए इससे कोई फायदा नहीं होने का दावा किया है। साथ ही साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है, सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का, हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। देखिए, जातीय जनगणना का पूरा रिपोर्ट आएगा, अध्ययन के बाद मैं बताऊंगा। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं, वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा अति पिछड़ा का या पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज, तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। 33-34 वर्ष से सरकार में कौन है, कौन चमत्कार कर दिए? पिछड़ा का बेटा ही तो बिहार का मुख्यमंत्री है 33 वर्ष से। कितना उत्थान हुआ बिहार का, कितना कल्याण हुआ, और चुनाव के समय में ये कौन अब चमत्कार करेंगे? ये हर समाज का लोग समझता है। ये उन्माद पैदा करने के अलावे बिहार के भविष्य के, बिहार के सामाजिक समरसता के और बिहार के लोगों के विकास का मानसिकता इनके पास नहीं है। न विजन है, न नियत है, न नीति। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।